बिहार ऑटो रिक्शा चालक संघ के जिला अध्यक्ष अमर पांडे को राज्य अध्यक्ष वकील दास ने पद से हटा दिया है। अमर पांडे पर अवैध वसूली का आरोप था, जिसकी जांच की गई और मामला सही पाए जाने पर अमर पांडे को पद से हटा दिया गया है। जिला अध्यक्ष पर इस तरह की कार्रवाई का पूर्णिया इकाई की ओर से स्वागत किया गया और राज्य अध्यक्ष वकील दास के घर पर जाकर संघ के लोगों ने उनका स्वागत किया। स्वागत चालकों को द्वारा किया गया, जो सच्चाई हमने काम किए चालकों के हित के लिए, उसके लिए हमें आज हमारे निवास स्थान पे आके चालक लोग और उनकी जो प्रतिनिधि हैं सब आके हमें स्वागत। हजारों चालकों के द्वारा आवेदन लिखित रूप से हमें मिला, इसलिए हम उसे किस खिलाफ में आवेदन दिया गया था? ये लोगों के नाम पे लाखों की जो राशि उन्होंने वसूले हैं उन्हीं का नाम पे जो चालक लोग हमको आवेदन दिया है। वो अवैध वसूली कर रहे थे? जी, अवैध वसूली थे और उनसे उनकी समस्या ऐसे जाम हटाने की यह समस्या नहीं हुए। जाम हटाने की समस्या जो है वो एक नया कमेटी जो हमारी बनेंगे इकाई का, उनके द्वारा मैं पूरे पूर्णिया में जाम हटाने का काम करेंगे। वकील दास राज्य अध्यक्ष ने पूर्व में अपने अमर कुमार पांडे को जिला का सदस्य यानी जिला अध्यक्ष के रूप में बनाकर जिला के टेम्पू चालकों का सुरक्षा के लिए रखे थे। पूरे जिला के टेम्पू चालकों को बरगला के काफ़ी परेशान कर उनसे लूटने का काम किया और 10 लाख रुपया से ज़्यादा लूटा है उसने। टेम्पू चालकों का शिकायत मिला है, वकील दास सोचे मेरा प्रतीक्षा तो ये नीलाम कर ही दिया, अब मेरा ईमान बचा है, इसको भी नीलाम करेंगे के चक्कर में लगा है, तो हम इसको उससे पहले इसको नोटिस 3 जारी कर देते हैं, नोटिस का जवाब नहीं देता है तो हम इसको हटा देंगे ताकि मेरा ईमान बच जाए।